हाँ भाई क्या है भैया जैसे कि आपने देखा ही होगा पिछले एक डेढ़ साल से तौर पे एक डेढ़ साल से क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रहा है बहुत से लोग इसमें पैसा बना रहे हैं बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसे लेके खड़े हैं और उनको तो समझ नहीं आ रही है होता क्या है ये कैसे पैसे बनते हैं कौन सी मशीन में डालने हैं क्या निकलना है बिटकॉइन क्या चीज़ होती है क्या ये हाथ में होती है बहुत सारे सवाल है बहुत सारी कन्फ्यूजन भी इससे रिलेटेड आप तो इन सारी कन्फ्यूजन सारी तो खैर नहीं लेकिन बहुत सारी का आ, हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज हमारे साथ आ, जो गेस्ट मौजूद हैं हमजा ख़ान उनका नाम है हीस जी एम पाकिस्तान बाइनेंस और बाइनैंस आपको पता है जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है तो आज हम हमजा से बात करते हैं और आपके सवाल जो कि मैंने फेसबुक पे पूछे थे और आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे उसमें से कुछ सवाल हमने निकाले भी हैं तो आज हम उन सवाल के जवाब देंगे हमजा से अल्लाम हमजा क्या हाल है वाले जुनीद भाई थैंक यू फॉर हैविंग मी थैंक थैंक यू फॉर बींगेर आई रील लाइक योर जैकेट थैंक यू अच्छा <laughs> तो हमजा आप जी हैं बाइनैंस के uh, पहले तो लोगों को समझाएं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या वेरी सिंपल तो खातन आई मीन क्रिप्टो से पहले हमने देखना ब्लॉकचेन ब्लॉक चेन क्या है अब दोनों टर्म्स काफ़ी लोग चेंज करते रहते हैं कहते हैं एक ही चीज़ है बट देखा जाए ब्लॉक चेन एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही कोई सिक्योर टेक्नोलॉजी है कि सिंपली पुट आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो मैंने फॉर एग्जांपल बैंक ट्रांसफ़र किया है तो वो बैंक ट्रांसफ़र एक पब्लिक रिकॉर्ड या लेजर जिसको कहते हैं उस पर आएगा और वो ब्लॉक बन जाएगा जब वो ब्लॉक बनेगा तो अगला ब्लॉक जब आएगा उसके ऊपर ऐड होगा तो अगर आपने हैक भी करना है आपको जो लेटेस्ट ब्लॉक बना है वहाँ से पीछे हर एक बैंक ट्रांसफर को देखना होगा सही। तो वो थोड़ा बहुत बताते हैं कि इतना सिक्योर क्यों है अब क्रिप्टो करेंसी की जब बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है उसका एक यूज केस जिसे कहते हैं वो क्रिप्टो करेंसी है यानी पैसे Hmm. आप क्रिप्टो करेंसी है क्या पहली चीज़ बिटकॉइन सब जानते हैं बिटकॉइन बिटकॉइन एक समझ लें रुपये जैसा एक कॉइन है hmm. जिसकी एक वैल्यू लगी हुई है डिपेंडिंग ऑन कि भाई लोग कितना इसको चाहते हैं कितना यूज़ करते हैं जैसे hmm. हज़ार का नोट है hmm. तो आप भी सोचें गवर्नमेंट ने आपको हज़ार का नोट पकड़ाया है राइट right? किसी ने भी पकड़ाया कहा ये हज़ार का है आपने मान लिया हज़ार hmm. का है राइट hmm. तो अब क्रिप्टो वो चीज़ें बिटकॉइन वो चीज़ है लोगों ने कहा कि यार इसकी इतनी वैल्यू है तो उसकी वैल्यू बढ़ती रही तो इन अ नटसल करेंसी है एक टेक्नोलॉजी इसके पीछे है ब्लॉकचेन और आजकल वो एक फ़ाइनेंस का एक टूल है जो नहीं। नहीं। लोग इस्तेमाल करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की जो भी हम अभी जो हमारी बैंकिंग है या करेंसीज़ हैं क्या वो पूरी नहीं थी हाँ अब आप मुझे ये बताएं जब आप बैंक ट्रांसफर करते हैं तो आपको आपके ट्रांसफ़र के साथ क्या पड़ता है फीस फीस ठीक है फीस किसके पास जा रही है बैंक के पास बैंक के पास आप जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं किसके थ्रू जा रही होती है बैंक के थ्रू बैंक के थ्रू क्रिप्टो वो चीज़ है और ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसमें सारी की सारी ओनरशिप आपकी है यानी आपने भेजा है जिसको भेजा है किसके थ्रू भेजा है आप एक कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर लाइन कोड के उसके थ्रू भेज रहे हैं hmm. कोई बीच में कोई मिडिल मैन कोई so बंदा नहीं बैंक बन गए एग्जैक्टली exactly. आप बैंक हो आप सेलर हो आप बायर हो राइट hmm. right? हर चीज़ आपके कंट्रोल में बट इसका ये मतलब नहीं है जनित भाई के बैंक चले जाएंगे hmm. क्रिप्टो का जब फ्यूचर हम सोचते हैं तो हम कहते हैं यार जो यहाँ आजकल बैंक्स हैं बाकी फाइनेंस के ऑपरेशन है तो उनके साथ क्रिप्टो क्या ला सकती है जो वो नहीं कर सकते तो ये नरअचल है कि क्रिप्टो क्यों ज़रूरी है hmm. आ, और टेक्नोलॉजी क्यों आई है hmm. तो टेक्नोलॉजी बनाने वालों को क्या फ़ायदा है अगर वो बैंक फीस चार्ज नहीं कर रहे और सारा ओनरशिप मुझे दे रहे हैं तो उनको क्या फ़ायदा ये चीज़ बनाने का वेरी सिंपल एक कॉन्सेप्ट है माइनिंग आपने hmm. भी सुना होगा hmm. काफ़ी लोग भी जानते हैं तो अब वो जो ब्लॉक मैंने जो पहले बताया था जो बैंक ट्रांसफ़र आपका रिकॉर्ड होता है hmm. वो ऑटोमेटिक तो नहीं होता यानी होता है एक हद तक बट किसी ना किसी ने उसको वेरीफाई तो करना होता है ना कि भाई ये सही ट्रांजेक्शन है मैंने इस बंदे को भेजा और वो सही से गया है कोई गलत जगह नहीं गया है कोई यानी स्कैम कह लें जो भी कोई वो नहीं गया तो दुनिया भर में यानी आप लैपटॉप खोल लें मैं लैपटॉप खोल लूँ ठीक है हम लोग उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं और उसके हमें पैसे मिलेंगे तो जो भी ब्लॉक में कहीं भी आप हो आप ये फिर सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप माइनिंग कर रहे हो हर बंदे का अपना पार्ट है जिस पे वो पैसे बना रहे है। सही क्या यू ओन इट राइट सही सो लाइक अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है तो हम देखते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने तो खैर एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है अभी तक इसकी आ, इस तरह ओनरशिप नहीं ली है या फिर इस तरह अलाउ uh, नहीं किया जिस तरह जैसे हम देखते हैं यू की गवर्नमेंट बाकायदा इस पर काम कर रही है जैपनीज़ गवर्नमेंट काम कर रही है तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पर काम करी अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है तो uh, तो इसका इसके दो तीन जवाब हो सकते हैं आई थिंक द बेस्ट इसका आंसर ये है कि अब जब जो रेगुलेटर्स होते हैं जो आपके लॉ बनाते हैं उन सबको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि जिसको मैं ये चीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ क्या वो समझता है इसके रिस्क राइट लेट्स से अगर मैं लॉ मेकर होता मैं लाता और आप नहीं समझते क्या चीज़ है आपने इन्वेस्ट कर दिया होता उसका आपको रिस्क भी नहीं पता तो अगला जब लॉस में जाता वो कहता है यार गवर्नमेंट ने मुझे खा के डाल दो hmm. तो उनको रिस्क देखने हैं बिफोर ये चीज़ रेगुलेट हो और Sorry. वो आई थिंक द गवर्नमेंट अ ग्रेट जॉब राइट काफ़ी पेपर्स भी रिलीज किए हैं और सारे ऑनलाइन हैं डिजिटल एसेट क्या होता है क्या चीज़ है एंड रिस्टली

और लोग अन्य वाह पैसे डाल देंगे कहीं अगर डूब गए तो ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो इस वजह से ये अलाउ नहीं कर रहे हाँ। या ये कि फिर बैंकिंग uh, मोनोपली और बैंक जो हैं बिकॉज दे कैन ट्विस्ट दर्म ऑफ द गवर्नमेंट जस्ट अज्यूमिंग नॉट जस्ट इन पाकिस्तान इन अ लॉर्ड ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तो क्या कहीं वो तो नहीं बैक चैनल कर रहे होते तो कि जी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए वरना तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे हाँ मैं इसका कह नहीं सकता वो क्या सोच रहे हैं राइट बट अगर आप 2018 में जाएं Mm. तो जैसे स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर रिलीज किया था का उस वक्त उनको क्रिप्टो का उन्होंने बोला था कि देखें रिस्की इन्वेस्टमेंट है अपने रिस्क पे करें एंड दैट वाज अबाउट द जस्ट ऑफ इट राइट यानी ये समरी थी उसकी mm. उसके बाद फिर यू नो लोगों ने समझा देखा क्रिप्टो की स्पेस काफ़ी ऊपर गई है काफ़ी नई डेवलपमेंट्स आ रही है एन भी जैसे अरे mm. आप तो इस पिक्चर को भी एन बना सकता है अच्छा इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में <laughs> हाँ बट uh, जहाँ तक देखा जाए इट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द यूजर्स अगैन और जब तक गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट नहीं होती कि इतने ज़्यादा लोग समझते हैं इस पर हम काम कर सकते हैं इस पर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा राइट right? तो उस वक्त तक सीखते रहेंगे क्योंकि कौन डेवलपिंग है तो I would say yes, the government definitely cares, mm -hmm. authorities definitely care. Mm -hmm. They talk about this, they work on this. तो mm -hmm. so, चीज एक दिन में नहीं होती, mm -hmm. right? It takes time, yeah. It takes time, mm -hmm. right? तो so, patience रखे हम भी रखते हैं mm -hmm. and uh, you know अच्छा अभी आपने risk की बात की ना, so like let me make it clear, हम यहाँ पे कोई financial advice नहीं दे रहे ना ही हम ये कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें यहाँ करें वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है सो so, इस बातचीत का मकसद ये है कि लोगों में बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या ब्लॉकचेन से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन रहती है तो उसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एड्रेस कर सकें तो ये है सो लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू पुट दैट डिस्कलेमर आउट अच्छा हमसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आदमी हूँ मेरे पास लेट से एक डॉलर है और मैं क्रिप्टो करेंसी में मैंने बहुत सुना भाई ये हो रहा है अच्छा लोग पैसे बना रहे हैं मैंने ट्रेड करना है मैं किधर जाऊँ जयंत भाई मैं बाइनेंस का रैप हूँ अभी आज आपके सामने तो मैं तो थोड़ा सेल आउट बनवा कहूँगा बट बट बाइनैंस मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ राइट एंड काफ़ी उसका सिंपल फैक्ट है कि अच्छा बाइनेंस क्या है एक्सचेंज है एक्सचेंज है जिस पे ट्रेडिंग होती है बिल्कुल सही है यानी जैसे आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है सही है ठीक है तो ये समझ लें उसका क्रिप्टो एक्सचेंज है सही यानी आपको और रुपए भी मिलेंगे बट डिजिटल होगा सही सो लाइक so like ये ऐप होती है ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें फिर एक पूरी एक्सचेंज आती है आपकी आई डी अच्छा ये सिक्योर कितनी है पहले तो आप ये बताएं जी तो आई थिंक महीने पहले अबाउट अ मंथ गो तो वहाँ हमने मैंडेटरी कर दिया था हमारा के अब जो बाइनस यूज़ करते हैं और नहीं भी करते काफ़ी लोगों ने के सुना होगा के वाई सी क्या होता है के वाई सी इज़ नो योर कस्टमर राइट तो इसका ये मतलब है कि आपको आपकी शनाख्त आपका पता राइट right? वो चीज़ होना ज़रूरी है सही है राइट right? इससे ये होता है कि कोई भी यानी बुरे प्लेयर्स आ गए कि भाई मैं तो आया हूँ इक्कीस दिन में पैसा डबल करने हाँ. मैं इसके पैसे लेके जाऊँगा तो मुझे पता है कि इसकी शनाख्त हुई हुई है काफ़ी फाइनेंशियल सर्विसेज में आप बैंक इस्तेमाल करें राइट right? बैंक में आप जाते हैं कार्ड बनाना है तो आपने क्या करना होता है शायद कार्ड देना है फॉर्म भरना है बिल्कुल यही है और बाइनानस एक वो एक्सचेंज है जो इसको मैंडेटरी कर दिया राइट तो हमारे हर यूज़र आपने कुछ भी ख़रीदना है कुछ भी करना है आपकी शनाख्त होना ज़रूरी है तो एक वहाँ सिक्योरिटी है नंबर दो राइट अगर हमारे प्लेटफॉर्म में कोई मसला आता है जिसके वजह से आपके फॉर एग्जांपल लॉस हुआ या कुछ भी हुआ है राइट या फिर आपका वॉलेट कोई फ्रीज़ हो गया तो हमारे जो सी हैं सी उनको निकनेम उन्होंने एक इंश्योरेंस फंड बनाया कि आपका फ़ंड्स इंश्योर है उसको हम कहते हैं फंड्स आर सेफ़ू राइट तो लेट्स से जुनेद भाई आपने ट्रांजैक्ट किया हमारी कोई यू नो सर्वर डाउन हो गया सही है say. होता है टैक है सर्वर डाउन हुआ आपने कहा भाई मेरे ट्रेड सारे गए ठीक है मेरे पैसे सारे चले गए किधर हैं हमारा जो इंश्योरेंस फंड है mm -hmm. वो आपको पैसे रिटर्न यह हमारी गारंटी है सथी. तो ये दो एस्पेक्ट्स पे मैं कहूँगा बनेंस इज डेफिनेट सिक्योर ऊपर से नंबर थ्री एंड आई थिंक गवर्नमेंट पे हमने थोड़ा टच किया है बट mm -hmm. हम जहाँ भी ऑपरेशन हमारे चल रहे होते हैं अब दुनिया के काफ़ी जगह चल रहे होते हैं राइट लाइक लोग ऐप यूज़ करते हैं एंड वी कान स्टॉप दैट तो वहाँ हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है कि हम हंड्रेड एंड वन परसेंट कंप्लाइंट हो राइट right? इससे ये मुराद है कि अगर मैं एक्स कंट्री में जा रहा हूँ mm. तो वहाँ वो कहते हैं यार हमारे लॉज ये हैं mm. आपने यू you नो know, हमें बताना है कि कितने लोग आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो हम वो करते हैं राइट right? और जैसे टैक्स टैक्स अब से आपने दस साल पहले बिटकॉइन पे डाला राइट right? आपके आप करोड़पति हो गए mm. अब मैं उसका टैक्स कैसे फाइल करूँ राइट right? mm. तो हमारा एक एपीआई जो एक सॉफ्टवेयर है आ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा जो आपको उस चीज़ पे हेल्प करता है कि मैं अपने टैक्स कैसे भरूँ तो इन सब चीज़ों आप देखें बाकी एक्सचेंजेस में जब भी जाएँ और बाकी एक्सचेंज भी अच्छा काम कर रहे हैं बट ये सब चीज़ें पे हमारा इतना एफर्ट होता है कि कस्टमर फर्स्ट यूज़र फर्स्ट इसलिए मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ इसलिए शायद आप भी करते हैं तो अच्छा सो so लाइक like, uh, एक आम आदमी है उसने इन्वेस्ट करना है उसने ऐप डाउनलोड की अब उसके पास लेट से बैंक में हजार डॉलर हैं तो अब उसने इस पे ट्रेड कैसे करनी है हाँ तो टू गेट स्टार्ट ना टू गेट नंबर वन पहली बात इस वीडियो को देख लें क्या क्रिप्टो है क्या ब्लॉकचेन क्योंकि मैं ऑनेस्टली किसी को रेकमेंड नहीं करता mm. पढ़ाई बगैर कुछ भी करें mm. और ये सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं है किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मैं पी भी जा रहा हूँ ठीक है मुझे पढ़ के जाना है हर चीज सीख के जाना है तो पहले पढ़े ठीक है आपने अकाउंट बना लिया आपने शनाख्त कर ली ठीक है अब मैं पाकिस्तानी हूँ मैंने ट्रेड करना है तो पहली चीज़ होगी कि मेरे पास रुप है हज़ार रुपये पड़े मुझे हज़ार रुपये डालने तो आप हमारा पी टू बी प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू वेब के थ्रू यूज़ करेंगे तो काफ़ी सिंपल है एक समझ लें ओपन मार्केट प्लेस एक संडे बाजार है हर बंदा बेच रहा है कि यार मेरे ये रेट्स हैं लेना है तो लो राइट तो मैं क्या बेच रहे हैं वो बिटकॉइन इथेरियम ओके कोई सथी, भी यानी एक चीज़ होती है स्टेबल कॉइन यानी डॉलर डॉलर भी बेच रहे तो हज़ार रुपये के मुझे जितने भी डॉलर मिले मैंने उससे लिए राइट वो मेरे अकाउंट में आ गए अकाउंट में आने के बाद मैं मार्केट प्लेस पर गया अब मैं एक्सचेंज पर आ रहा हूँ ट्रेड का बटन हो गया वहाँ देख रहा हूँ यार ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है या फिर ये प्रोजेक्ट का मैंने पढ़ा है इस प्रोजेक्ट का मुझे पता है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इन्होंने इतना काम किया ये आगे भी इतना काम करें तो उसमें मैं कहता हूँ हाँ ठीक है अब मैं इस पर डालता हूँ सिंपल एज दैट सो ये जो आपने बोला ये पी टू पी ट्रांसफ़र क्या ये लीगल है तो पी टू पी ट्रांसफ़र जैसे मैंने कहा संडे बाजार की एग्जाम्पल दी तो संडे यानी हम कंट्रोल नहीं करते राइट right? हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को कि वो एक दूसरे से बात करें एक दूसरे से ट्रांजेक्ट करें सो आर यू सींग इज इट लाइक जैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेस है फेसबुक hmm. ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया hmm. उस पे मैंने ये माइक रख दिया hmm. आपने माइक खरीदना है मैंने आपको बेच दिया hmm. तो ये पी टू पी हुआ बिल्कुल ओके okay. अगर आप जैसे दस लोगे माइक बेच रहे हैं ठीक है और मैं जैसे दस लोग जो माइक खरीद रहे हैं hmm. मार्केट प्लेस बन गया hmm. सिंपल सर सही तो फिर ओके फिर आपने जो है अपनी पसंद का कॉइन ख़रीद लिया अब उसने उस पर आपने उसको होल्ड करना है या रोजाना अच्छा एक होती है डे ट्रेड जिसमें लोग रोज़ाना ख़रीदो फरोख कर रहे जैसे कि पॉइंट फाइव सेंट में कुछ मिल रहा है और वो शाम तक पॉइंट एट पर गया तो आपने बेच दिया फिर अगले दिन आपको स्पेकुलेशन होती है या मार्केट ट्रेंड्स होते हैं या फिर न्यूज बेस्ड होता है जैसे ऑयल होता है इज इट लाइक दैट कि अगर आपको लगता है कि यार ये और ऊपर जा सकता है फिर आपने दोबारा खरीदे या कम रेट पे देखा पॉइंट एट पर आपने बेचा अगले दिन फिर पॉइंट सिक्स हो गया आपने फिर खरीदा और अगले दिन पे इस तरह दिस इज हाँ ट्रेड डे ट्रेड तो जैसे हमारे मर्चेंट्स होते हैं अगेन पीयर पीयर टू एक से दूसरा बंदा तो हमारा प्लेटफॉर्म में अनदर सिक्योरिटी फीचर्स दैट हमारे सारे मर्चेंट्स आर वेरीफाइड बाय अस यानी हम उनकी पूरी शनाख्त उनका घर का भी एड्रेस लेते हैं mm. कोई मसला नहीं होता तो सिर्फ वेरीफाइड ओनली तो अब वहाँ से जब मैंने ख़रीद लिया और मैं और फिर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो डे ट्रेड में ये होगा कि मैं मार्केट हर मिनट हर घंटे जैसे भी मैं टाइम इंटरव्यू है मैं देख रहा हूँ छोटे प्रॉफिट मार्जिन या थोड़े लॉस मार्जिन मैं कर रहा हूँ अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की जैसे आपने बात की कि होल्ड करना अम, जो भी यानी मैं प्रोजेक्ट का न्यूज़ पढ़ा काफ़ी तरीके होते हैं जो आपको सूट करता है वो करो थोड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं थोड़े मीम कॉइन जिन्हें हम कहते होते हैं हाँ ये मीम कॉइन की जरा बताएं क्या है कॉइन ये क्या है, ये, क्या हाँ, है ये तो वाउ हाँ, से हाँ, तो, देखें लाइक like, ऑब्वियसली जिन्होंने किया है उनका हाँ काफ़ी हाँ लोगों ने कमाया काफ़ी लोगों ने नहीं कमाया हाँ आपका अगर रिसर्च आपको कहता है कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट जो भी हो okay कि यार अगले दिन नीलोन ट्वीट करे जो भी है वट एवर यूर रिसर्च करें बेशक करें लोग कर माई पर्सनल रिकमेंडेशन ऑब्वियसली पढ़ के जाए तो, अच्छा हम जितना भी पढ़ लें हाँ मार्केट स्टेबिलिटी की बात करते हैं ठीक है ना अगर जैसे कि मैं डॉलर खरीदता हूँ मुझे पता है उसकी एक स्टेबिलिटी है उसकी एक वैल्यू है और वो जो है ना ट्रम्प कोई नींद में ट्वीट करेगा क्रैश नहीं हो जाएगा डॉलर तो डॉलर रहता है यहाँ पे इलॉन नशे में ट्वीट कर दे नींद में ट्वीट कर दे डोज टू द मून कर दे तो वो कहाँ इतनी मार्केट मेनुपलेशन एक ट्वीट के ऊपर हो रही होती है मेन्यूपलेशन में माइड नॉट बी द राइट वर्ड बट इतनी वॉलटाइल uh, हो जाती है hmm. इज़ इट वाइज टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दैट या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे वेल्स होती हैं सो mm. so, वेल्स आर बेसिकली जो उन्होंने जिनके पास बहुत पैसा। बहुत पैसा होता है लाइक हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर वेल को रात को दौरा पड़ा उसने सारी चीज़ें मार्केट में बेच दी सप्लाई भर दी वैल्यू नीचे होगी तो ऐसी मार्केट में जहाँ पे किसी की एक ट्वीट से इतना फर्क पड़ रहा है या एक वेल का दिमाग शार्ट हुआ उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ कर चलेगी उससे सारी

जेद कॉइन, राइट और मैंने आपने ख़रीदा हुआ है तकरीबन टोटल है लाख कोइंस मेरे पास पचास हज़ार आपके पास पचास हज़ार अगर मैं बेचता हूँ फिफ्टी परसेंट मार्केट गिर जाएगी उसकी आप बेचते हैं फिफ्टी परसेंट मार्केट गिर जाएगी सिंपल hmm. तो अगर जिस चीज़ में लोग ज़्यादा हैं लोग ज़्यादा कर रहे हैं उस चीज़ में फ्लक्चुएशन कम रहती है hmm. मैथ की गेम लाइक वेरी सिंपल तो काफ़ी ऐसे कॉइंस हैं जिसमें करोड़ों लोग हैं लाखों लोग हैं तो उसमें इतनी चेंज नहीं होती अनलेस यू नो लाखों लोग ने बेचा है अब जहाँ तक मार्केट स्टेबिलिटी की बात है अब ये थोड़ी मैं हाई लेवल थोड़ी बात करूँगा कि जैसे नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं आपके आप कोई भी स्टॉक ख़रीदो जैसे मैंने किसी कंपनी का खरीदा है ट्रेडिशनल मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा तो उसका जो प्राइस होती है वो बैक होती है कि भाई इस कंपनी के एक्स फैक्ट्रीज़ है uh. इस फैक्ट्रीज़ की इतनी वर्थ है और इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं hmm, उसकी यस yes. तो उसकी एक लेवल से नीचे नहीं जाती अब जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है ठीक है क्रिप्टो इज बैक्ड बाय कोड इट्स बैक बाय कोड इट्स बैक बाय द पीपल सपोर्टिंग इट ठीक है के एग्जांपल ले लेना पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें और इकोसिस्टम बन रहे हैं राइट hmm. right? काफ़ी लोग उस पर काम कर रहे हैं कोड कर रहे हैं पैसे बना रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ जब इतने सारे लोग हैं उसकी प्राइस ड फ्लक्चुएट एज मच बट आई एम नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन और मैं जनरली एक बात हूं mm. रहा करूँ कि इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ना ज़रूरी है राइट अगर आपको कोड समझ आता है आप कहते हैं दिस इज द राइट वे टू गो कि भाई इन्होंने अब तो बहुत तबाही काम किया हुआ है राइट तो आई विल सपोर्ट दैट राइट अच्छा आप जो बार बार कह रहे हैं पढ़ना बहुत जरूरी पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़ने कौन से कॉलेज जाना है कौन सा ट्यूशन सेंटर जाना है कौन सी वेबसाइट है कौन सा मटेरियल है इफ़ यू कैन रेकमेंड मे बी हाँ या फिर ये कि लाइक like, जो टॉप ऑफ द लाइन लाइक साइट्स हों या फिर लाइक वे टू लुक एट हाँ तो सिंपली पुट आई मीन आई स्टार्ट विद बंस राइट हमारे पास अकेडमी है हमारे पास ब्लॉग्स हैं उर्दू में भी आ रहे हैं तो आप वहाँ डेफिनेटली शुरू हो सकते हैं वरना आपके फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर्स लाइक अगर यू नो लेट्स से आप बात करते हैं उस पर तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं बट जनरली स्पीकिंग यू डोंट नीड टू यू नो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन लिए क्रिप्टो कोर्स में आप कोई प्रोजेक्ट पे जाओ जैसे इथेरियम की बात वापस कर हर प्रोजेक्ट के पीछे एक तकरीबन वाइट पेपर होता है वाइट पेपर समझ लें जैसे रिसर्च पेपर या उसकी थीसिस होगी तो उसमें आप पढ़ सकते हैं अब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मैं समरी के लिए बाइनान जैसी वेबसाइट पे आ सकता हूँ अब जैसे इथेरियम का जो फाउंडर है विटालिक आई एम अ बिग फैन ऑफ इज राइट उसका राइटिंग वर्क इज़ अमेजिंग ठीक है उनको भी आप देख सकते हो तो जहाँ आपको लगता है कि आप वहाँ से सीख रहे हो पढ़ो आप ऑब्जेक्टिव रखो कि मुझे इसके उसके नहीं, तो उधर लिखा हुआ क्या है वट द प्रोजेक्ट इज़ क्या है प्रोजेक्ट क्या करना चाहता है क्या हुआ हुआ है और जैसे गेट अगर आप जानते हैं तो इज लाइक एन ओपन मार्केट विथ कोड राइट ओपन सोर्स कोड तो वहाँ मैं इसका कोड भी पढ़ सकता हूँ यार लाइक like, मैं इसको छाप के अपना भी बना सकता हूँ राइट तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम्बाइंड आप उसका सीख सकते हो कि भाई है क्या एग्जैक्टली exactly? hmm. थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है बट आप जब उस थ्रेश होल्ड पर पहुँचते हो ना कि भाई इतना पढ़ लिया अब तो मुझे समझ आ गई hmm. उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट को देखते साथ ही आप कह सकते हो ये अच्छा है ये बुरा सो लाइक यू आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप आ, जैसे आपने कहा देख के समझ आ जाता है कि इसमें कितनी जान है कितनी वर्थ है चाहिए hmm. अभी आपने एन की बात की नॉन फंजेबल टोकन जी वॉट इज़ दैट और लोग उससे कैसे पैसे बना रहे हैं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स उन उन्होंने आ, बहुत महंगे घर ले लिए इसी शहर में अच्छा रहते हुए माशाल्लाह माशा अल्हमद सिर्फ एन एफ टी से तो मैं उनसे नहीं पूछ रहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिल्कुल क्योंकि तो वो यहाँ नहीं आ रहे दे टू रिमेन इन द बैक बट आप समझाएं लोगों को एन क्या है अच्छा जयंत भाई आपकी फेसबुक प्रोफाइल है बिल्कुल बिल्कुल है आपकी यहाँ आप प्रोफाइल पिक्चर है बिल्कुल है आपकी वो कोई प्रोफाइल पिक्चर ले सकता है कॉपी कर सकता कॉपी कर सकता कॉपी कर सकता है आपको इसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा राइट अब जहाँ एन की बात करते हैं ना इट्स ओन बाई यू राइट अब थोड़े लोग एन एफ टी जानते कहते हैं हम कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर लेते राइट इट्स ओन बाई यू लेट से मैं आपको अपना पिक्सल आर्ट भेजता हूँ या हम ये या ये वाला हाँ सही है आप मुझे भेजते हैं राइट आपने ऑक्शन किया मुझे तो मैंने खरीद लिया उसके बाद फिर उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई ऑक्शन हो रहा है इसकी डिमांड है प्राइस ऊपर गई प्राइस ऊपर गई प्राइस ऊपर गई बट क्योंकि आपका ओरिजिनल है क्योंकि आपका ओरिजिनल है जब तक वो ख़रीदते रहेंगे उस वक्त तक आपको भी उसके पैसे मिलते रहेंगे एक परसेंटेज मिलती रहेगी तो अगर ये आर्टवर्क कोई ख़रीदता है एंड दस और लोग खरीदते हैं दस लोगों में से आपको बार बार परसेंटेज मिलता रहेगा जितनी बार यू ओन इट ओके वो फॉर एग्जांपल अच्छा बिकॉज दिस इज़ पब्लिक न्यूज़ तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ ये कि, किसी की ढकी छुपी बात नहीं है हमने जो चांद नवाब की वीडियो देखी थी आपको पता शायद आपने मीम देखा होगा कि वो एक रेलवे स्टेशन पे एक न्यूज़ कास्टर खड़ा हुआ है और लोग बार बार बीच में से जा रहे हैं दैट वीडियो वेंट इनसेनली वायरल दो हज़ार छः सात की वीडियो है आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये हमजा थोड़े से बर्गर हैं इन <laughs> मामला में हमजा डेंट यूट यू एंड ब्रॉट अपेयर राइट नहीं मैं हाँ से। हाँ तो ये बाहर से आए तो इनको नहीं पता है ये चीज़ें तो चांद नवाब की वो वीडियो बिकॉज इट वॉज सो फेमस इट वॉज़ एक्चुअली कॉपीड इन अ बॉलीवुड मूवी बाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी चांद नवाब हिमसेल्फ वज ऑफर्ड दैट रोल मगर उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की टेंशन उस वक्त भी थी अभी भी यही कर उनको तो वो वीडियो बिकॉज इट वॉज सो फनी एंड सो वायरल उसकी जो वैल्यू है अभी तक एक करोड़ चालीस लाख लग चुकी है चांद नवाब के साथ मैं दो बार मिला हूँ पिछले दो हफ़्तों में जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं आपने देखा होगा मैं उनके साथ तस्वीर भी खिंचाई हुई थी और मुझे वो सानिया मल मिर्ज़ा और शुएब मलिक वाले इवेंट पे भी मिले थे तो उन दोनों बार मैंने उनसे यही बात की कि आपकी वो एन एफ टी कहाँ तक पहुँची तो उनके कोई लॉयर हैं बाहर मुल्क में होते हैं जो कि हैंडल करें है उनका और उनके लॉयर का मानना है कि ये दो करोड़ से भी ऊपर की जाएगी तो अभी आप रुकें तो यानी वो चांद नवाब भाई जो है बाइक पे इधर उधर घूम रहे होते हैं रिपोर्टे ले रहे होते हैं लेकिन उनकी जो ही इज एक्चुअली वर्थ डेढ़ करोड़ रुपए बिकॉज ऑफ दैट वीडियो सो इसमें क्या खाली पिक्चर्स ही हो सकती है या वीडियोस भी हो सकती है जैसे कि चांद नवाब साहब की वीडियो हाँ आई मीन देखे एन एक वो कॉन्सेप्ट है जो अभी आया और और है अब ब्लॉक चेंज और टेक्नोलॉजी है हाँ? उसमें अभी लोगों ने कहा है कि आर्टिस्ट को पैसे मिलने चाहिए कोई भी खरीदे राइट वीडियो भी हो सकती है ना यार एथेरियम पे आप वेब थ्री पे लगाए ना वेब थ्री नया कॉन्सेप्ट है सो so, जैसे वेब टू है जिसमें अभी हम अच्छा मुझे ये बात बताए बिफोर वी वी डेल्व इन टू द डिटेल्स मेरी एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है कोई भी उसको राइट ले करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्क्रीन शॉट करके, करके तस्वीर मेरी डाउनलोड कर सकता है तो कोई क्यों पैसे देगा मेरी ओरिजिनल वीडियो के एग्जैक्टली अब वेब थ्री मैं उसकी बात तो वेब थ्री जब आएगा जब आ रहा है राइट तो वहाँ जैसा लेट्स ए यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म है ठीक है उसमें जब आप अपना चैनल बनाएंगे यू ओन दैट चैनल राइट अभी आप यूट्यूब पे हैं यूट्यूब चाहे बंद कर दे चैनल राइट right? hmm. मर्जी है उनकी दे ओन दिस हाँ एंड यू ओन दैट लट्स से आपके जितने व्यूअर्स आए जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके लिहाज से तो अभी भी यू you नो know, इनका कोई मॉडल है बट अगर आपकी वीडियो शेयर भी करता है या कॉपी भी करता है उस पर भी आपको पैसे मिलेंगे तो दैट्स दैट्स फ्यूचर और वो एक चीज है जो अभी हमने देखी है बाकी चीजें तो और अगेन करोड़ फॉर मोहब्बत में शायद? Like, like मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई अच्छा um, आप मोनालिसा क्यों खरीदेंगे वो लियोनार्डो डी का एक मास्टर है बिल्कुल बट देन उसकी बहुत सारी कॉपीज मार्केट में भी मिलती हैं बेशक बट ओरिजिनल ओरिजिनल अगर पीपल यू यानी आपको इतना फॉलो करते हैं कि भाई वी लव ये करोड़ शायद शायद वो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर वीडियो को करोड़ों पर चली जाए

राइट right. तो हमारा एन एफ टी मार्केट प्लेस है सिंपल जाके कर सकते हो नए प्रोजेक्ट्स अपने भी ला सकते okay. right? लॉन्ग हमारी बहुत स्ट्रिक्ट टीम बहती है लिस्टिंग और एन एफ टी के लिए तो हमारे काफी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हमें लगता है कि लोगों के लिए ये कॉइन सेफ है राइट hmm. right? कि आप कॉइन बना के भाग नहीं रहे राइट right? हाँ. उसके बाद हम कोर्ट पढ़ रहे तो कोड में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी वो ओनरशिप होगी ना अगर आपने लिखा मेरे तीस दिन बाद मेरे वॉलेट में सारे पैसे भेज देना हम कोड में पकड़ लेंगे अगर आपने नहीं लिखा आपने कहा मैं एक कॉइन लॉन्च कर रहा हूँ यू डोंट ओन इट इट इट्स फॉर द पीपल हु बाय सही है इफ यू बाय वन गंजी कॉइन यू ओन वन गंजी कॉइन यू डोंट ओन ऑल गंजी कॉइन ओके बस सिंपल एज दैट सही right? है. सही है एन एफ टी भी आ गया तो मेरे में मैं एन एफ टी भी बनाता हूँ फिर क्यों नहीं क्योंकि आई हैव अ लिविंग एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ मी और वो मुझे पीछे पड़े रहते हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है सो लाइक आई शुड रियली रिली गु दैट अच्छा सो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर हमें ट्रेड करनी हो तो हमें पी टू पी करना होगा तो यानी हमें एक्सचेंज में बंदा ढूंढना होगा जो हमें यू एस डी टी दे यही होता है ना आप mm -hmm. बैंक ट्रांसफ़र करते हो उस बंदे को और फिर वो आपको उसके अगेंस्ट यू एस डी टी देता है एवरीबडी हैज देर ओन रेट्स इस तरह नहीं होता ना तो वेन विल माइनेंस गिव दिन कि हम अपने बैंक के कार्ड से डायरेक्ट यू एस डी टी खरीद लें तो फॉर दैट वी वुड नीड समो चार्ज्स विद द बैंक्स राइट अनटिल एंडस राइट हमें गवर्नमेंट कहती है कि यू नो सब सही है या सबको कहती है सब सही है करो राइट right? उस वक्त तक हम नहीं लाएंगे Okay. क्योंकि वही बात है हमने ले आए आपने ट्रांजैक्ट किया आप मसले में पड़ गए तो हम पे आता है ना तो क्या मसला पड़ सकता है आई कान से यू नो लाइक कोई let's say, बाद में आती है रेगुलेशन hmm. के भाई ये इलीगल है राइट hmm. तो उस पर बैंक ट्रांसफर रिकॉर्डेड एवरी थिंग विल गेट कॉट राइट तो हमारा सारा एफर्ट है कि भाई आपकी राइट बट एज आंग डिसट्राइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का कॉन्प्ट अभी आता है फिर अब डिसेंट्रलाइज क्या है जैसे मैंने आपको पहले कहा था आपने यूट्यूब पर वीडियो बनाई जो भी नया यूट्यूब आया यू ओन एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ दैट वीडियो राइट यू ओन एवरी थिंग तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन यानी आप सिर्फ कोड के थ्रू हर चीज़ कर रहे हो नो इन्स कंट्रोलिंग इट ठीक है सेंट्रलाइजेशन कोई ना कोई यू नो हैज अन इट अब uh, जो बाइनैंस है इट यू नो लाइक्स टू ऑपरेट इन बोथ मैनर्स एंड हमारा जो के वाई सी की मैंने बात की थी के वाई सी कम्स एज अ सेंट्रलाइज एस्पेक्ट जैसे बैंक से mm. तो हम कस्टमर्स की बैकग्राउंड चेक लाइक like, जब आप के वाई सी करते हो और हम देखते हैं आपका कोई मसला नहीं है कि कोई रिपोर्ट्स नहीं है तो आप आते हो अगर mm. तो हम कहते हैं मसला है तो फिर आपको नहीं आने देते सिक्योरिटी बेनिफिट राइट तो दैट्स अच्छा ये वो सवाल आते हैं जो कि आप लोगों ने फेसबुक पोस्ट जो मैंने डाली थी उसमें कॉमेंट्स में दिए थे तो उसमें से बहुत सारे हमारे क्यूट साहब ने निकाले हैं सो एक सवाल जो कि नजरों से भी गुजरा मेरी उसमें था आर मनी इज नॉट ये क्यों लिखा लोगों ने हाँ आई मीन I've talked about this before and when you don't understand something and listen to other people that the next saying it's then will say it's safe. So you're saying it's hearsay? It's hearsay. Binance is fully committed, and this is on public record on my website that your funds are completely safe. Now, those who have jo and work in this, they'll agree to disagree. यार एक्सचेंज के वॉलेट में नहीं रखना चाहिए राइट right? ये थोड़ी टेक्निकल उस पर आ गया mm. अब यस yes, हमने पहले यानी दूसरे एक्सचेंजेस में देखे थे दिस वॉज द केस अगर एक्सचेंज बंद होता है तो आपके पैसे ही बंद हो गए mm. तो आप अपना कोई या फिर हार्डवेयर वॉलेट या दूसरा ट्रस्ट वॉलेट जैसे होता है mm. उसमें डाल देंट mm. तो वो लोग कहते हैं कि इसलिए वहाँ सेफ रहता है mm. अब बाइनास की मैं आपको बात बताई फंड आर सेफ हूँ एनी थिंग लाइक दिस हैपन्स we'll be responsible, right? The company will mm. be the ones mm. responding to all your queries, is getting you that money back. Mm. right? So that's completely invalid, completely false. Mm. And, you know, that's it about Okay. Okay, so you said that in Europe, in some countries, like in England, you said, that tax is uh, deduct from that or they submit karana submit it. So, in Pakistan, this uh, tax से बचने का तरीका नहीं है कि अपने फंड्स आप क्रिप्टो में कर लें इज इट लाइक टैक्सेबल इन पाकिस्तान तो टैक्सेशन की जब बात करते हैं तो आई टच ऑन टन बिट बिफोर तो बाइनेस इज कम्प्लीटली ट्राइंग टू यू नो गेट पीपल टू टैक्स राइट कि भाई जैसे अगर आपके कंट्री में टैक्स करना पड़ता है तो वील हेल्प यू डू दैट राइट इसका ये मतलब नहीं है कि यू you नो know, हम सबको कहते हैं टैक्स फ्री आप करो ड्यूटी फ्री जैसे होता है एयरपोर्ट yeah. पे लाइक आप टैक्स ना दो राइट right? hmm. तो इट्स नॉट लाइक दैट यहाँ एज रिटर्न में आप सेल्फ रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई मैंने इतने किए हैं एंड अलॉफ पीपल डू दैट सो एज अ पाकिस्तानी लास्ट वेबिनार विच वी हैड ऑन दाइनेस चैनल आई सेट द सेम थिंग एज अ पाकिस्तानी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्राई एंड गिव बैक रिपोर्ट योर एसेट्स एंड ट्राई टू गेट टैक्स फॉर इट जब असल उसके टैक्सेशन रेट्स आएंगे दैन वी लुक इन टू इट राइट बट अभी फिलहाल There's, you know, no ground for it right now. So uh. how did you get into the Binance thing? You, like this is like a Haan. very personal question. Like what Haan. did you do before? Right. Uh am a GMO like marketing, right? How old are you? I'm twenty five. Twenty five year old GM of Binance. Wow, man. How did you score this job? Um so funny story, I came I come from an engineering background to get my my robotics key. Where from? ओके यस तो आई थिंक 2018 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था उसके बाद मैं इंजीनियरिंग 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 ढूंढ रहा था कुछ मिला नहीं कुछ समझ नहीं आया तकरीबन डेढ़ दो साल आई वॉज जॉबलेस राइट तो आफ्टर दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सम इंजीनियरिंग इंटर्नशिप्स और फिर आई वॉज रीच्ड आउट आफ्टर डूइंग दिस वन एक्सपेरिमेंट अब दो साल हो गए थे वे अप्लाइड एट लाइक विक्स हंड्रेड जॉब्स आई गो वन फाइनल इंटरव्यू राइट अब मैंने कहा यार घर बैठे बैठे पाकिस्तानी हर चीज़ के लिए सी वी बदली थी तो इट वॉज इन स्प्रे एंड प्रे तो वहाँ ये हुआ कि अब घर बैठे बैठे क्या करे हो सुबह उठते हो अप्लाई करते हो खाते हो सोच राइट आई स्टार्ट कॉन्टेंट क्रिएटिंग राइट लिंकटिन पर जाके सो mm -hmm. um, so जो मैं सीखता था कोई कोर्सेज कर रहा रहाँ एसेट्रा तो उसके बारे में छोटी वीडियो बना दी कोर्सेज um, जैसे मार्केटिंग के गूगल के कोर्स कर लिए फॉर एग्जाम्पल राइट फ्री कोर्सेज तो कैसे किए क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसके मैं किया, मैंने किया तकरीबन दो महीने मैंने किया एंड एट दी एंड ऑफ द टू मंथ्स मैंने अपनी कहानी शेयर की कि भाई पिछले तकरीबन डेढ़ दो साल से मैं जॉबलेस रहा हूँ बट दैट डेंट स्टॉप मी राइट

वहाँ so, फिर लोगों ने देखा सम राइट पीपल सॉ इट यस आई गॉट अ फ्यू दे उन्होंने कहा कि भाई आप जो कर रहे हो इट्स गुड स्टफ राइट आ जाओ ट्रायल जॉब मैं यही कहता हूँ आप लोगों को लिंक इन इज लाइक अ सी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज और आप वहाँ भी छानेबाजी कर रहे होते <laughs> लड़कियों को डी एम कर रहे हो हाई हावर यू क्या ये आपकी पिक्चर है आयत करीमा का व्र चल रहा है ये कर रहे हैं लोग अब भाई ये देखो फ्राम जॉब लेस टू जी अच्छा आप डायरेक्ट जी एम लगे नहीं नहीं आई वॉज आर कंपनी बिफोर ओके तो हुआ ये कि वन आई गाट द जॉब ऑफर राइट आई वॉज ऑल्सो गिवन जॉब ऑफर टू अदर प्लेस एंड हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी वाई टू टेक तो वो सब कर रहा था उसके बाद यू नो वेरी स्ट्रेसफुल टाइम किया 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 बट वही बात है कि अपनी वीडियोज़ में अपने क्लोज दोस्तों को भी यहीं कहता हूँ यार लाइक करोगे नहीं तो लाइक like, सीखोगे नहीं यार लाइक ट्रू व्हाट्स द पॉइंट आप बैठे बैठे कहोगे यार इसने क्या इसको नहीं मिला mm. इसने क्या इसको मिला तो सिमिलर विथ क्रिप्टो क्रिप्टो में थोड़ी बात वापस आ क्रिप्टो में भी जब तक आप करोगे नहीं जब तक आप वो होता है ना पुट योर हैड इन द गेम राइट तो आप जब तक वो नहीं करोगे यू वॉन्ट लर्न एनी थिंग यू वॉन्ट गेन एनी थिंग तो लिंकटिन पे भी इफ़ एनी वन जॉब सीकिंग यू नो रीच आउट टू अस ऑन आर प्लेटफॉर्म एंड वी कैन ट्राई एंड हेल्प जोह बाई ऑफ दिस इजबल

Um, की की सीखा सीखा um, गलतियाँ बहुत की बहुत गलतियाँ की बट आई लर्न फ्रॉम दोस्त अगली दफ़ा नहीं की अगली दफा से बेहतर काम mm. किया तो वहाँ अब फिर हम थोड़ा शिफ्ट होने लगे कि यार ब्लॉक चीन क्रिप्टो इसके प्रोडक्ट्स हैं क्या लाइक like, क्या काम चल रहा है बड़े इंटरेस्टिंग थे हमने कहा चलो इस पर काम करते हैं छोटी mm. टीम थी हमारी स्टार्टअप था तो वहाँ से उस पर काम करना शुरू है डेवलप mm. किया मैंने भी सीखा इनके साथ काम कर करके and eventually down the line, you get in the eyes and ears of the right people. right. aga like just this morning, I video, a video. so a very famous um, investor shark tank, eh, Sorry, yeah. not shark tank, uh, dragons den, dekha mm -hmm. dragons den me, i don't remember his name, he's mm -hmm. one of the oldest guys in the room. Um, सो ही पोस्टर वीडियो दिस मॉर्निंग वो कहते हैं कि टू ईयर्स अगो इफ यू आस्क मी कि कौन सी फील्ड में आपके सबसे ज़्यादा पैसे बनेंगे कहा इंजीनियरिंग 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 वो कहते हैं अभी आप मुझसे पूछो क्या है मैं जवाब बदल गया कहते हैं कि पीपल जो आपकी प्रोडक्ट की स्टोरी बता सकते हैं टू द राइट पीपल इन द राइट वे राइट दोज पीपल आर हेड दैट्स मी दैट्स यू राइट सो वही वो कहता है कि यार एन भी आ रहे हैं mm राइट -hmm. right? पहले आप वो कहता है पहले आई वुड थिंक कि यार ये स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है राइट right? mm -hmm. थोड़े पैसे कमा रहा है एच्ट्रा मैं इसको इतने पैसे नाउ ही सेज ही इज हायरिंग द फॉर हंड्रेड फिफ्टी के ईयर डॉलर्स राइट दैट्स क्रेजी हाउ वैल्यू चेंजेस और आपको अपने आप को बेचना जो आना चाहिए ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो Recommendation for everyone applying to jobs, sell yourself. So like for <laughs> a software house, say, how did you jump into finance? So you understood blockchain and you interest and then you applied there? Uh, no, I was actually working on decentralized finance oh, okay. right, with a very good team, amazing team. Right. Really. And se I got in the eyes of the right people because I was, you know, at the marketing side. And of this things. was in Dubai? No, it wow. Earlier this year मैं I shifted here permanently so um so like within a year you you jumped up to become a GM yes alhamdulillah wow yeah that's amazing so that's my story I hope anyone who gets inspired by it like ah for sure man. <laughs> this is like crazy stuff uh -huh. that's awesome man अच्छा ये जो कह रहे जी metaverse आ रही है और हम अगली दुनिया की तैयारी इसी दुनिया में करेंगे VR set पहन के और वहाँ पे crypto चलेगा ये क्या science है यार ये समझाया तरा आप तो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हाँ। नहीं काफ़ी सिंपल है आई मीन फेसबुक ने अभी अपना नाम चेंज किया मेटा इसके बाद सब कह रहे हैं भाई है क्या राइट अब अगर आप गेम फोर्ट नाइट जानते हो पिछले साल है या फिर इस साल उन्होंने एक कॉन्सर्ट रिलीज किया था गेम के अंदर आरियाना हाँ। ग्रांडे का नहीं नहीं वो ट्रेवल स्कॉट का था अभी आया हरियाणा ग्रांडे का भी मेटावर्स में राइट तो है क्या मेटावर्स राइट ये एक कोई फिक्शनल दुनिया नहीं है ये कोई वो नहीं है आप मार्वल के फ़ैन है? mm. हैं मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है mm. तो समझे इसी दुनिया की कॉपी एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर कॉपी बनी है तो वहाँ आप सिर्फ सिम्स नहीं खेल रहे आप एक्चुअली यू ओन थिंग्स, राइट वेब थ्री की मैंने बात की थी तो यू एक्चुअली ओन पीसेस ऑफ लैंड से एक प्रोजेक्ट है डी सेंट्रल लैंड तो यू ओन पीसेज ऑफ लैंड जिसमें आप अपना आर्ट वर्क शोकेस कर सकते हो तो एन एफ टी आर्टिस देर शोकेज देर आर्ट वर्क अपना जो भी चीज़ लाना चाहते हैं ऊपर से गेम फाई गेम्स भी आ रहे हैं मेटावर्स में तो so मेटावर्स एक वो चीज़ है दैट इज़ ऑल इंक्लूसिव ऑल ओनरशिप यानी सब आपकी ओनरशिप है एंड यू कैन एक्सेस एनी थिंग एनी वेर इसका ये मतलब नहीं है कि हम होलोग्राम्स का वेट करेंगे जैसे स्टार वॉर्स में आते हैं या फिर हम कह रहे हैं कि भाई आपके प्लग लगे हुए आप वी आर सेट पहने हो कि भाई <laughs> सी हाँ. नॉन में एक दूसरी दुनिया में इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट अलाउज़ यू टू डू थिंग्स मोर फ्रीली देन यू कड डू बिफोर वाइल ओनिंग अलाट मोर राइट तो दैट्स वे आपकी प्रोफाइल आपकी फेसबुक प्रोफाइल आपकी सिंपल दैट राइट मेटावर्स इज ऑल अबाउट इन चेल सो लाइक्रिप्टो का वहाँ पर क्या रोल है तो क्रिप्टो का नहीं है ब्लॉकचेन का है ओके okay. तो ब्लॉकचेन जो टेक है उसके पीछे से मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आया उसके पीछे बना और इसमें वही है कि हर चीज़ इज यू नो ओन बाय यू सेंसरशिप रेजिस्टेंट हम कहते हैं mm. कि कोई कंट्रोल नहीं करता नो वन कंट्रोल राइट तो ब्लॉक के टेक के पीछे जब कोई चीज़ बनी होती है सेफ एनी वन केनी वन ओन्ट उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी बननी है ना जैसे फेसबुक अपना मेटा hmm. बना रहा है अपना मेटावर्स बना रहा है hmm. इसका ये मतलब नहीं है कि फेसबुक ओन्स मेटावर्स hmm. इसका ये मतलब है फेसबुक एक टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसका आप ओनरशिप ले सकते हो मतलब एक मुल्क बना रहा है जो आप खरीद सकते हो यार ओके okay. हाँ तो जो आपने करना है उसमें करो सो so, यही चीज़ मैंने एक टिकटॉक देखी थी यूके की टिकटॉक थी उसमें था कि यह मैंने डेढ़ सौ दो साल पहले देखी थी कि मार्क अगरबर्ग एक इसी अर्थ की साइज की स्केल की अर्थ टू पॉइंट ओ बना रहा है डिजिटल जिसमें आप वी आर सेट पहन के जाएंगे यू विल ट्रैवल यू विल हैव अ हाउस यूल हैव अ फैमिली देर वगैरह वगैरह और उसमें आप जो भी परचेज करेंगे यू विल डू दैट थ्रू देयर क्रिप्टो विच वॉज लिब्रा एट दैट पॉइंट तो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट और फिर जब ये बाकी मेटावर्स वाली बात मेटा hmm. जब ये रीब्रांड uh, uh, हुआ तो फिर वही चीज़ मुझे दोबारा रिकॉल की सो विच इज़ वाई आई वॉज आस्किंग यू अगेन एंड अगेन के लाइक क्रिप्टो करेंसी का वहाँ क्या ये रोल होगा कि लाइक वील एक्चुअली बी लिविंग अ लाइफ देयर जस्ट लाइक वील लिविंग अ लाइफ हेयर यहाँ पर हम खरीदो फरोख करते हैं और कुछ थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि ये एक सिम्यशन है और हम कहीं और <laughs> फ्लग हुए हुए बैठे हुए किसी पॉड में <laughs> आ, 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 सो अब हम ये उसकी एक लेयर बनाने जा रहे हैं हाँ बिल्कुल हम तो सारे अभी सिमुलेशन में ये असल में हो नहीं रहा है ये हाँ, हम पे बैठावर्स पर बैठे बट हाँ, देखें आई मीन जहाँ क्रिप्टो करेंसी की बात है अब अगर मैं ब्लॉकचेन पे कुछ बना रहा हूँ और हर चीज़ कोड उस पर राज करती है तो अगर मैंने कोड को कहना है मैं कुछ खरीदना है तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं रुपये तो नहीं मारूंगा लाइक आई हैव टू डू है तो लेट्स से मैं एक मेटावर्स का लूव यानी फ्रांस का जो म्यूजियम है उसमें जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार मोनालीसर टू पॉइंट वो मैंने खरीदनी है हाँ। तो मैं उसको खरीदने के लिए मुझे कोई क्रिप्टो करेंसी यूज़ करनी हो चाहिए तो एक डिजिटल कॉइन समझ लें वो यूज़ करके मैं वहाँ ख़रीदो फरोख कर सकता हूँ मेरा अपने वहाँ कैरेक्टर का अगर कोई गेम है तो मैं वहाँ कैरेक्टर के कपड़े खरीदता हूँ खरीदते हैं बिल्कुल जैसे स्किन्स स्किन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ वट मैटर यू ऑलरेडी मैटर खरीदी रंग बिरंगे फायर वर्कबर आपको पता है कॉन्सेप्ट का इट्स अबाउट ओनिंग दैट एसेट अगर आपके फोर्ट नाइट कैरेक्टर ने कोई बनी का कॉस्ट्यूम खरीदा यू ओन वन ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ बनी सूट्स दैट एग्जिस्ट राइट एन एफ टी राइट सिंपल एज तो मा मेटावर्स में दैट सेम थिंग विल कम बट ये नहीं होगा कि एपिक गेम्स कंट्रोल करती है कि वह दस हज़ार और बना दे इट्स ओन बाई यू एंड यू ओनली वाह सो एवरी वन कैन हैव देर ओन वर्जन ऑफ वर्ल्डली सो ये मैं एक चीज़ सुन रहा था जो लोग उनकी पॉडकास्ट पर लाइक इसकी डाउन साइड पर यह भी हो सकती ना कि यू कुड बी लाइक ए रियली लूजर इन योर कॉलेज बट देन इन यूर ओन वर्ल्ड दैट क्रिएटेड आप वहाँ पर हीरो हो गए सो देन यू विल हेट दिस वर्ल्ड तो वहाँ ही रोट लाइक आई टू गो देर जहाँ पे मैं एक लाइको वेरी स्मूथ गायक आई आई एम फेमस वेरी शॉर्ट आफ्टर जेंटलमैन बट नॉट इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे लाइक आई एम अस लॉब आई एम ऑलवेज ऑन माई काउच एंड आई एम लाइक जिस चीटोज ऑल द टाइम सो आप रियालिटी से दूर भाग के आप यूल न बीस्ट्रूड इन डिफरेंट मैटर राइट आप अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जैसे काफ़ी मूवीज उस पर बनी हुई है और काफ़ी अगर आप महंगा जानते हो तो महंगा भी उस पर बना हुआ अगर आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है बींगिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इवेंचुअली इवेंचुअली आपके रियल लाइफ में भी तो आएगा ना वो चीज़ राइट इट्स नॉट कि भाई एक ही जगह मैं कर रहा हूँ और दूसरी जगहेंट ऑल्टेगो वाला सीन

Like oh in the meme, the future is now old man, right? Uh. So the future really is now, right? Uh. and and Lokepa's crazy ideas. Right? Both me and you, we might have some ideas, but people out there have insane ideas. They could, I don't know, make a bank within the metaverse, right? Of though, right? Yeah ki Doesn't matter. Mm. Possibilities are endless. It's I'm I'm very bullish on it. I mean it's gonna go like it's the next big thing mm. um so yeah uh, it's a pretty good concept like what is binance doing for Pakistan okay so as an employee of binance very recently hired so we are trying to one educate people right and get more people to learn about if not invest learn about what this cryptocurrency space mm. is yeah now ये कॉइन बहुत ऊपर चले गए ये प्रोजेक्ट मैं मैं आर्टिस्ट हूँ मैंने आर्टिस्ट पर डालना था आई मिस्ड आउट वो फोमो नहीं कहते फियर ऑफ मिसिंग आउट तो वो ना हो रईट यू आर अहेड ऑफ द कर्व पाकिस्तान इज अहेड ऑफ द कर्व डेटा देखें जुनेद भाई इट्स क्रेजी यहाँ लोग कहते हैं भाई रेगुलेशन 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 एंड आई नो इट्स अ बिग थिंग सबकी सेफ्टी उस पर डिपेंड mm. करती है एंड वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दैट डिस्पाइट दैट पाकिस्तान इज नंबर थ्री वर्ल्ड वाइड in crypto adoption. Hmm. Number three, that's crazy. What is crypto adoption? People use or have used crypto or transact on it, right? Okay. To a certain extent. So, how did you Right? Blockchain. Blockchain tech is public ledger information that you can read. Right? Mm -hmm. इसका ये मतलब नहीं अगर आपने ट्रांजैक्ट किया तो मैं देख सकता हूँ यार जुनेद है? भाई ने किया है इतना दिया है किसको दिया वो आपके एड्रेसेस होते हैं hmm. वॉलेट एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यानी मेरे जो कोड जिस कोड से मैंने भेजा था उसका क्या नाम है तो उससे कहाँ गया आप ये देख सकते हो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं पाकिस्तान से अगर आप देखो इतने हुए हैं कि नंबर थ्री पर भी है वेरी रीसेंट न्यूज़ राइट तो वन वी टॉक अबाउट बाई राइट और हमारे प्लान्स क्या है हम क्या कर रहे हैं तो पर्सनली आई एम वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान ठीक है हमारे साथ यंग जनरेशन है जय भाई एंड हमारे सारे ऐसे यानी मैं हम उम्र लोग कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं राइट right? कुछ ना कुछ कर रहे हैं कुछ सीख रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में अपने आप को बनाने के बहुत चांसेस है तो क्रिप्टो एक नई स्पेस है जो आपको ज़ीरो से उसमें स्टार्ट करने दे रही है राइट एंड आर हेयर टू हेल्प यू कैपिटलाइज ऑन इट कि आप शुरू हो राइट right? बाकी दुनिया से काफ़ी आगे हो यार फोर जी थ्री जी फाइव जी सब सही है राइट बट क्रिप्टो जो नई टेक्नोलॉजी आई है आप उस पर कोडिंग शुरू करो ट्रेडिंग शुरू करो आप अगली लैम्बो निकालो मैं कहूँगा माशा क्या बात mm. है राइट तो स्टेइंग ऑफ द कर्व इज़ वॉट्स इंपॉर्टेंट एंड बाइन फॉर पाकिस्तान वेर प्लानिंग मोर एजुकेशन स्टाफ आवर पीपल मोस्ट लाइकली आई थिंक सो

तो कल भी वट इज़ एस जस्ट हाँ तो उसके ऑफिशियल यूट्यूब पर हमारे पाकिस्तान की उर्दू में वीडियोज़ आती हैं ओके दैट्स वन वे बट जैसे आप कह रहे हैं ऑफलाइन इवेंट्स फेस टू तो फेस बैठना तो ऑबियसली हम ये नहीं चाहते किसी को यू नो इनकनवीनियंस करें या कोई बुरा मान जाए mm. क्योंकि यार हमें नहीं समझ आता क्रिप्टो आप गलत काम कर रहे करो एक्सेट्रा तो एज सुन एज वी डोंट हैव दैट विल डू मोर राइट तो जैसी अपॉर्चुनिटी है हम करेंगे जैसे आज हम दोनों बात करें तो hmm. right? so like, आपने चैनल बताया सो binance.com/ur फॉर उर्दू हमारी उर्दू साइट है binance.com/en हमारी इंग्लिश साइट है वहां हमारे ब्लॉग हैं एकेडमी है अनाउंसमेंट्स हैं है. आप उनके सारा पढ़ सकते हैं एकेडमी में आपको जीरो से स्टार्ट करते हैं वट इज्रिप्टो हाउ टू ट्रेड वट आर द स्ट्रैटीज राइट ब्लॉग में आपको नई नई यानी अगर कोई हमारा नया जगह पर हम गए हैं नई रेगुलेशन पर हमने कायम किए तो यू रीड अबाउट दैट उसके अलावा आप हम से ही बात कर सकते हैं बायस पाकिस्तान टीम बोथ माई सेल्फ अन रूहान वर्यर टू हेल्प यू गाइज आउट उर्दू में इंग्लिश में जैसे भी आप चाहें तो हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टा uh, हैंडल्स हैं हमारे पास बाइनस पाक या बाईन पी के नाम से mm -hmm. तो आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड वी होप टू सी यू देर राइट येस ऑफ कोर्स वाई नाट सो लाइक यू नो फॉर द रेक बहुत से लोगों को बोलेंगे आप uh, आ, मैंने वैसे इंस्टा पर वैसे शेयर किया था आई ऑल्सो डू ट्रेड ऑन माइनस लेकिन वही मैंने ये बात जैसे मैंने स्टोरी में इंस्टा स्टोरी में भी कही थी कि मैं एक साल से कर रहा हूँ बट आई डेंट वट टू जम्प राइट एन एंड टेल पीपल के वो oh, ये बहुत अच्छा है आप भी करें बिकॉज मैं खुद सीख भी रहा था सो so, लाइक like, मुझे एक साल हो गया करते वन आई हैड अलहमदिल्ला डिस गुड इनफ फॉर मी टू टेल पीपल कि हाँ दिस इज़ समथिंग गुड एंड इट हैज़ वर्कड आउट फ्रॉम मी अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस ना मैंने कभी दी ना मैं शायद कभी दूँ कभी भी नहीं दूँगा ये mm. आपने खुद ही सीखना है खुद ही करना है मैंने उतना ही पोटेंट किया जितना मैं अफोर्ड कर सकता था

एंड अल ऑफ द कंट्रीज एंड पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है इतनी पोटेंशल है हम इस पर स्टार्ट भी नहीं हुए अभी तो इसका ये मतलब नहीं ऑबियसली भाई आप जाओ क्रिप्टो ख़रीदो और यू नो दैट्स एट इट्स नॉट मी सेंगाई आप क्रिप्टो बस खरीदना इज़ क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन इतने हमारे डेवलपर्स हैं इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिप्टो से फ़ायदा उठा सकते हैं या ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं वहाँ आप शुरू हो एंड

वेरी इंसाइटफुल और काफ़ी अच्छा लगा आई एम प्री श्योर हमने बहुत सारे एरियाज़ अभी भी टच नहीं किए हैं मैं चाह रहा था कि स्लोली वी डू अ बिल्डअप एंड दिस इज़ नॉट वन ऑफ वी माइ सेट सम अदर टाइम मे बी विद न्यूअर यर क्वेश्चन मे बी विद मोर एज पीपल हैव मोर लर्निंग अबाउट दिस थिंग मे बी दे वुड हैव मोर क्वेश्चन और अगर आपको लगता है कि कुछ रह गए क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज लाइक पुट दैट ऑन द कामेंट एंड वी कैन टेक इट फ्राम देयर बट थैंक यू सो मच हमजा खान आई वज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन ऑन द पॉडकास्ट और आई विश यू वेल एंड मुझे बहुत खुशी होती है uh, when, uh, मैं जब मैं आपसे मिला भी था तब भी मैंने कहा था लाइक वैन आई मीट यंग इंडिविजुअल्स हु हैव अचीव सो मच इन सो लिटिल टाइम एंड आई एम रियली इम्प्रेस बाई योर स्टोरी इट्स वेरी इंस्परेशनल एंड आई वुड क्या वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं जो आपने बनाई थी बिल्कुल बिल्कुल मैं पे जाके देख सकता अच्छा आपके पे हमजा खान सर्च करें बस हमजा खान बाइनास करके सर्च करें मिल जाएंगे आप <laughs> <नहीं>, लिख दूंगा श्योर <laughs> मैन <laughs> sure एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा दिया हुआ कोड है इसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं यू विल गेट अ बोनस जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी और बाइनेंस को इस कोड के साथ डाउनलोड कीजिए चलें आई होप यू गाइज इन्जॉय द कन्वर्जेशन और सब्सक्राइब uh, करना नहीं भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा इन आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी